हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के सीरियल बातें कुछ अनकही सी के बारे में। ये नया सीरियल स्टार प्लस पे जब लॉन्च किया गया था, बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टार प्लस ने लॉन्च करा था। ये म्यूजिकल ड्रामा के लिए उनके एक्सपेक्टेशंस ये थे कि वो काफ़ी स्टेबल प्रूव होगा उनकी 9 बजे की टाइम स्लॉट के लिए, और इसी करके उन्होंने इसकी काफ़ी अच्छी तरह से मार्केटिंग भी करी थी, काफ़ी अच्छी तरह से प्रमोशन वगैरह करी थी, जैसे कि टाइटल सॉन्ग रिलीज़ का रोल आउट वगैरह जो भी उन्होंने करा था, काफ़ी मेहनत से करा था। बेसिकली स्टार प्लस को ये सीरियल में पूरा भरोसा था, लेकिन ये शो ने उस भरोसे को बिल्कुल भी नहीं रखा है। मेनली कहने का ये मतलब है कि ये शो TRP के मामले में बहुत ही ज़्यादा पुअर परफॉर्म करा है। ये सीरियल फ्लॉप हो गया है पूरी तरह से अपने पहले 2 हफ्तों से ही। अपने फर्स्ट वीक की बात करी जाए तो शो लेकर आया था 1.6 की TRP अपने पहले वीक में, जो कि ऑलरेडी काफ़ी कम थी, जो कि फालतू सीरियल से भी कम थी, और 9 बजे के टाइम स्लॉट पे देखा जाए तो स्टार प्लस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कमी थी। चलो वो तो थी पहले हफ्ते की TRP, हम सोच लेते हैं कि आने वाले हफ्तों में TRP शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाए, लेकिन सेकेंड वीक में शो ने कमाल ही कर दिया और इसकी TRP बिल्कुल ही गिर गई। शो की TRP इस हफ्ते अपने सेकंड वीक में 1.2 हमें देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग TRP और बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिक्रीज हमें देखने को मिलता है, भारी डिक्रीज ये शो की TRP में देखने को मिल रहा है। बहुत ही टाइम बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्टार प्लस की 9 बजे की टाइम स्लॉट पर किसी सीरियल की TRP इतनी ज़्यादा कम है। तो हम देख ही सकते हैं कि स्टार प्लस ने जो फैसला लिया था, जो कि इमली और फालतू दोनों सीरियल्स को वो बंद करने का सोच रहे थे, उनमें से किसी एक को बंद करने का सोच रहे थे इस नए सीरियल के लिए, उनकी जो कॉल थी वो गलत थी और जो डिसीज़न था वो उतना अच्छा नहीं था, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस रहा है ये नए सीरियल को लेकर आना अपनी एक प्राइम टाइम स्लॉट पे। ये सीरियल के लिए उन्होंने फालतू सीरियल को बंद करा, जो कि इससे बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था TRP के मामले में। ये शो तो 1.5 को भी अब टच नहीं कर रहा है, और 9 बजे के टाइम स्लॉट पे 1.2 की TRP लेकर आना स्टार प्लस जैसे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा कम TRP और बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। लेकिन एनीवेज, इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि सीरियल बुरा है, इसका मतलब ये नहीं कास्ट या फिर डायरेक्टर राइटर कोई बुरे हैं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स की TRP बहुत ज़्यादा कम होती है, और कई बार बहुत बेकार बेकार सीरियल्स की TRP बहुत हाई होती है। तो TRP सीरियल की क्वालिटी को डिसाइड नहीं करता, लेकिन हाँ TRP ये ज़रूर डिसाइड करती है कि सीरियल व्यूअरशिप में कैसा जा रहा है, सीरियल आगे तक ज़्यादा चलेगा या फिर नहीं, और सीरियल हिट है या फिर फ्लॉप। तो हम सिर्फ TRP के हिसाब से कह सकते हैं, तो सीरियल अनफॉर्चुनेटली फ्लॉप है। हाँ सीरियल बुरा नहीं है, बट हाँ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कई लोग इसके फैंस भी बनेंगे, बट व्यूअरशिप के मामले में शो बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है करेंटली स्टार प्लस के लिए, ये एक फैक्ट है। तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस सीरियल के ऊपर, क्या आपका फीडबैक है कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। शो आपको पसंद आया या फिर नहीं, और आपको क्या लगता है क्या रीज़न है कि ये शो इतनी बुरी TRP लेकर आ रहा है, इतनी कम TRP लेकर आ रहा है इतनी अच्छी मार्केटिंग के साथ, और वो भी स्टार प्लस पे 9 बजे की टाइम स्लॉट पर सिर्फ 1.2 की TRP जो कि लेकर आया है। और ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले हफ्तों में, क्या इसकी TRP और गिरेगी या फिर थोड़ा बहुत स्टेबल हो पाएगा। जो भी आपकी राय है, क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस शो की सारी अपकमिंग वीक्स की TRP पाने के लिए और स्टार प्लस की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो बेल आइकन यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।